शबे बरात का मौका है, इस मौके पे इबादत का एक शौक़ एक जज्बा रहता है, इसीलिए ये नमाज जो चार रकात ख़ास नमाज है, बड़ी फजीलत वाली नमाज है, उसका अमली तरीक़ा यानी कैसे अदा करेंगे वो आपको करके बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उस नमाज का नाम है सलातु तस्बीह, जिसे हम तस्बीह की नमाज कहते हैं, क्योंकि तस्बीह इसलिए कहते हैं कि इसमें तस्बीह है। तस्बीह क्या है वो भी आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। इस नमाज की बड़ी फजीलत है, इस नमाज के अदा करने से अगले गुनाह, पिछले गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, कसदन जानबूझकर किए हुए गुनाह और सहवन भूल सर अनजाने में किए हुए गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, खुफिया गुनाह, ऐलानिया गुनाह, हर तरह के गुनाह आपके माफ हो जाएंगे, बिल्कुल आप धुल जाएंगे, समझिए। और इसकी फजीलत बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि रोजाना इस नमाज को अदा करिए, न हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, वो भी न हो सके तो महीने में, महीने में न हो सके तो साल में एक दिन, साल में भी न हो सके पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार इस नमाज को जरूर अदा कर लीजिए। इसीलिए कोई भी मौका, ये तो शबे बरात का मौका है, अगर आपसे मुयस्सर हो, आपको वक्त मिले, रोजाना पढ़िए ना, बहुत सवाब मिलेगा, बड़ी फजीलत है। अब इस नमाज की एक तस्बीह है, इसीलिए सलातु तस्बीह कहते हैं, तस्बीह की नमाज इसीलिए कहते हैं, तस्बीह है इसमें। तस्बीह क्या है उसे याद कर लीजिए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर से एक बार तस्बीह दोहरा देता हूं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह है, मुख्तसर तस्बीह, जिसे हम जो है तीसरा कलमा भी कहते हैं। अब इस नमाज में इसी तस्बीह को कुल चार रकात नमाज अदा करेंगे, चार रकात नमाज एक सलाम से अदा करेंगे, एक सलाम से चार रकात नमाज अदा करेंगे, और टोटल तस्बीह चार रकात में 300 मरतबा होना चाहिए। हर एक रकात में, पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, हर रकात में 75 मरतबा, 75 मरतबा ये तस्बीह होनी चाहिए। कम भी नहीं करेंगे, ज्यादा भी नहीं करेंगे, अगर कमी ज्यादा भी करेंगे फिर समझिए कि फजीलत से आप महरूम हो सकते हैं, इसीलिए ये आदत जरूर याद रखिएगा। और कहां कहां कितनी मरतबा कब पढ़ेंगे वो अभी आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। उससे पहले इस नमाज का वक्त समझ लीजिए, कब अदा करेंगे। शबे बरात जो है यानी 15 शाबान की जो रात है, सूरज के डूबने से लेकर जैसे ही सूरज डूब जाता है, मगरिब की नमाज का टाइम जैसे शुरू होता है, शबे बरात शुरू। अब शबे बरात में अगर आप इस नमाज को अदा करना चाहें तो मगरिब के वक्त से लेकर फजर की नमाज का टाइम शुरू होने, नमाज नहीं, नमाज का टाइम शुरू होने से पहले पहले तक, फजर की नमाज से नमाज का टाइम होने से पहले पहले तक आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर कर लेंगे तो फिर समझिए कि ये शबे बरात में आप ये नमाज अदा कर रहे हैं, जो और फजीलत बढ़ जाएगी, वरना ये नमाज तो आप पूरी जिंदगी में जिस वक्त चाहें अदा कर सकते हैं, दिन में भी रात में भी जिस वक्त चाहें। सिर्फ मकरूह टाइम, जिन औकात में, जिन टाइम्स में नमाज पढ़ना मना है, उन टाइम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जब चाहे पढ़ लीजिए। अब इस नमाज के दो तरीके हैं, उनमें से जो सबसे आसान तरीका है वो आपके सामने पेश करूंगा। दो तरीका है, ये जो बता रहा हूं ये सबसे आसान है और बहुत, इसमें कोई उलझन नहीं है, इसमें कोई आपको उलझाने वाली चीज नहीं है, बहुत आसानी से ये तरीका आप याद रख सकते हैं और इसको अदा कर सकते हैं। अब जरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए, नियत करेंगे, नियत कहते हैं दिल के इरादे को, जबान से लंबी चौड़ी नियत बोलने की जरूरत नहीं है, दिल में सोचिए मैं तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूं, कितनी रकात क्या है छोड़ दीजिए सब, सिर्फ इतने ही दिल में सोचिए मैं तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करिए। कैसे, नियत दिल में सोच लीजिए, नियत कर लीजिए, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाइए, बांध लीजिए। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब सना पढ़ने के बाद वो जो तस्बीह मैंने कहा है, जो सलातु तस्बीह की तस्बीह है, उस तस्बीह को पढ़ेंगे। तीसरा कलमा क्या है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
इस तरह करते करते कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 15 मरतबा पढ़ेंगे। याद रखिएगा 15 मरतबा सना पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए, यहीं पर एक बीच में छोटी सी बात बता दूं, ये जो हिसाब रखेंगे 15 मरतबा, कोई उंगली पे इस तरह गिनेंगे नहीं, इस तरह उंगली पे हिसाब करना मना है। उसके लिए आप जो यहीं हाथ अभी रखेंगे, जो अपना हाथ को रखे होंगे, बांधे होंगे, वहीं पर उंगली को जरा दबाते जाइए। एक मरतबा पढ़ें, एक उंगली को दबा दीजिए। दूसरी मरतबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए। तीसरी मरतबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए। फिर जब 5 उंगली दब जाए, तो उसके बाद जब एक मरतबा और पढ़ें, तो एक उंगली जरा हल्का कर दीजिए, फिर एक उंगली और हल्की कर दीजिए। इस तरह करते करते आप हिसाब रख सकते हैं। डायरेक्ट शुमार करना ये मकरूह है, इसीलिए आप इशारतन याद रखिएगा। और अगर इस तरह शुमार नहीं करते हैं, दिमाग में याद रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद पहली रकात है। अब उसके बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब ये जो किरात है, सूरह फातिहा है, आउज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह दुआ है, यानी तस्बीह है, आमीन है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कहिए, यही बेहतर है आपके लिए। सब आहिस्ता, सिर्रन सिर्री किरात करिए, आहिस्ता से पढ़िए। फिर उसके बाद जब आमीन कह के मुकम्मल कर लेंगे, सूरह फातिहा मुकम्मल है, अब उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, कोई सी भी सूरह, यहां तक के, क्योंकि ये नफिल नमाज है, इसीलिए उलमा ने, फुकहा ने किताबों में लिखा है, अगर आप एक सूरत को भी हर रकात में अदा करेंगे नफिल नमाज में, पहली रकात में जो सूरा पढ़े थे, दूसरी रकात में वही सूरा पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं, मकरूह तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये नफिल नमाज है, ठीक है। अब इसीलिए जब आपको वक्त कम है, आपके आसानी के लिए, ज्यादा देर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, या कोई आपको बीमारी, कोई दिक्कत है, कोई वजह भी नहीं है, ऐसे ही आप आसानी के लिए चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सबसे छोटी सूरा है वो पढ़ लीजिए, जो आपको याद है, जैसे इन्ना तो इन्ना याद है, या कुल हु अल्लाह, सबको तो याद होती है ये सूरा, जैसे सूरह इखलास कहते हैं हम, क्या है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ लीजिए, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब जब सूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अब फिर वही तस्बीह जो सलातु तस्बीह की है, तीसरा कलमा, फिर 10 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा आप पढ़ चुके थे सना के बाद, अब किरात के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, सूरा वगैरह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे, वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब ये कितना हो गया, 15 मरतबा पहली मरतबा सना के बाद, फिर ये 10 मरतबा कितना हो गया, 25 मरतबा। अब जब ये 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे। अब रुकू में जाने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल अजीम, 3 मरतबा हो, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जो आपसे हो सके पढ़िए, आसानी के लिए 3 मरतबा पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। अब रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद, अब इसी तस्बीह को, जो सलातु तस्बीह की तस्बीह है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको 10 मरतबा पढ़िए। कितना हो गया, 25 मरतबा हो चुका था, फिर ये 10 मरतबा कितना हुआ, 35 मरतबा। जब रुकू से आप उठ जाएंगे, समियल्लाहु लिमन हमीदा, फिर उसके बाद रब्बना लकल हम्द, उसके बाद अब फिर इस तस्बीह को अदा करेंगे जो सलातु तस्बीह की है। कितनी मरतबा अदा करेंगे, फिर 10 मरतबा। कितना हुआ था, 35 मरतबा हुआ था, फिर ये 10 मरतबा खड़े होने के बाद, रुकू से उठने के बाद कितना हो गया, 45 मरतबा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को चले जाएंगे। अब जब सजदे को चले जाएंगे, तो सजदे में जाने के बाद पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, कितनी मरतबा, 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अब सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद, फिर वही तस्बीह जो सलातु तस्बीह की है, तीसरा कलमा है, उसको आप अदा करेंगे 10 मरतबा। कितना हो गया, 45 मरतबा हो चुका था, ये 10 मरतबा, 55 मरतबा, 55 मरतबा। अब पहला सजदे में जब 10 मरतबा पढ़ लेंगे, मुकम्मल हो जाए, तो बैठ जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब बैठने के बाद पहले सजदे से, जैसे मिसाल के तौर पर पहले सजदे से आप उठकर बैठ गए,
अब बैठने के बाद जैसे बैठेंगे आप सबसे पहले 10 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करिए, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह करके 10 मरतबा। जब 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे को जाएंगे। अब जो 10 मरतबा हुआ था कितना, 55 हुआ था, फिर बैठ कर 10 मरतबा कितना हुआ, 65 मरतबा। अब जो सजदे को जाएंगे दूसरे सजदे में, पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ लेंगे, अब कितना हो गया, 65 में 10 मिला दीजिए 75, 75 मरतबा। एक रकात में 75 मरतबा हमें अदा करना था और ये हो गया 75। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए और एक रकात आपकी मुकम्मल सलातु तस्बीह में एक रकात आप पढ़ चुके हैं। अब खड़े होने के बाद हाथ बांध लेंगे, हाथ बांधने के बाद अब सबसे पहले आप किरात करेंगे। क्या किरात करेंगे, पहली रकात नहीं है इसीलिए सना भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सना पहली रकात के लिए होती है, और दूसरी रकात है इसीलिए आप ताउज भी नहीं पढ़ पाएंगे, आउजुबिल्ला भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आउजुबिल्ला भी पहली रकात के लिए है। अब क्या है, बिस्मिल्ला, खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जैसे ही खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए हाथ बांध लेंगे, सबसे पहले 15 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करेंगे। 15 मरतबा, जैसे आप सना के बाद पढ़े थे 15 मरतबा पहली रकात में, वैसे ही सबसे पहले, क्योंकि सना तो पहली रकात में है, दूसरी रकात में सना नहीं है, तीसरी रकात में सना नहीं है, चौथी रकात में भी सना नहीं पढ़ेंगे, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए है, इसीलिए आप दूसरी रकात में खड़ा होने के बाद सना जब नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे तस्बीह पे, जो तीसरा कलमा है सलातु तस्बीह की तस्बीह है, कितनी मरतबा, 15 मरतबा। अब जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो अब ये आपके लिए दूसरी रकात है, इसीलिए आउजुबिल्ला भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आउजुबिल्ला पहली रकात के लिए है। अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी खड़े होने के बाद 10 मरतबा जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे डायरेक्ट, 15 मरतबा। अब 15 मरतबा पढ़ने के बाद जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए ये दुआ, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरह करके पूरा सूरह फातिहा, फिर उसके बाद आमीन, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद कोई भी सूरह, अब उसके बाद फिर 10 मरतबा यही जो है तस्बीह को अदा करेंगे, जो सलातु तस्बीह की तस्बीह है। अब दूसरी रकात में कितना हुआ, खड़े होने के बाद फौरन आप पढ़े थे 15 मरतबा, अब किरात करने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, कितना हुआ, 25 मरतबा। फिर इसी तरह रुकू को जाएंगे, रुकू से उठेंगे, सजदे को जाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका, इसी तरह करके आप फिर दूसरी रकात में भी 75 मरतबा, जब दूसरे सजदे में जाएंगे तो 75 मरतबा तस्बीह हो ही जाएगी। अब ऐसी सूरत में 2 रकात आप हो जाए तो बैठ जाएंगे, दूसरी रकात में बैठकर क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जब तशहुद मुकम्मल हो जाए तो खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए। अब तीसरी रकात में भी सना वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 15 मरतबा फिर ऐसे ही करेंगे जैसे दूसरी रकात में हुआ था, 15 मरतबा इसी तस्बीह को अदा करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह, अब हाउजबिल्ला भी नहीं है, बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल सेम जैसे दूसरी रकात में हुआ था। फिर इसी तरह दूसरी तीसरी रकात जब मुकम्मल हो जाए, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए, सेम वही करिए जो उससे पहली रकात में, दूसरी तीसरी रकात में आपने जैसा किया था बिल्कुल वैसे ही करिए। अब इस तरह करके चौथी रकात में बैठिए, अत्तहियात पढ़िए, तशहुद पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर उसके बाद दुआ पढ़िए, जो भी दुआ याद है आपको, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल ग़फ़ूरुर रहीम, या कोई और दुआ, रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, जो भी आपको शॉर्टकट लगे, जो भी आपको आसान लगे, उसी एतबार से आप दुआ पढ़िए, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक तरफ सलाम फेरिए, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ सलाम फेरिए, आपकी नमाज कंप्लीट, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, और ये बड़ी फजीलत वाली नमाज है, इसको ज़रूर अदा करिए, ये बहुत ज़्यादा सवाब है, और इसमें मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर किसी से कमी हो जाए, ज़्यादती हो जाए, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके लिए फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं बात यहीं पर ख़त्म कर
करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।